Your Excellency, President Ranil Wickremesinghe, Your Excellency, Prime Minister Pravind Jagannath Ji, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी, श्रीलंका, मॉरिशस और भारत के सेंट्रल बैंक के गवर्नर, और आज इस महत्वपूर्ण समारोह से जुड़े सभी साथीगण, इंडियन ओशन क्षेत्र के तीन मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। यह हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई आज नया दायित्व निभा रहा है, यूनाइटिंग पार्टनर्स विद इंडिया। फ्रेंड्स, भारत में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। हमारे छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटे व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। पिछले वर्ष यूपीआई के माध्यम से रिकॉर्ड 100 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। इनका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपए यानी 8 ट्रिलियन श्रीलंका रुपये और 1 ट्रिलियन मॉरिशस रुपये से जुड़ा है, ज्यादा है। जेम ट्रिनिटी यानी बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल फोन के माध्यम से हम लास्ट माइल डिलीवरी कर रहे हैं। इस सिस्टम से अब तक 34 लाख करोड़ रुपये यानी $400 बिलियन से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में जमा किए जा चुके हैं। कोविड महामारी के समय कोविन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया गया। टेक्नोलॉजी के उपयोग से ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, समाज में इंक्लूसिविटी बढ़ रही है और लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट। हमारा मैरिटाइम विजन है सागर। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। पिछले वर्ष राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की भारत यात्रा के दौरान हमने एक विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। वित्तीय कनेक्टिविटी को बढ़ाना उसका एक प्रमुख हिस्सा था। ये खुशी की बात है कि आज हमने इस संकल्प को पूरा किया है। प्रधानमंत्री जगन्नाथ के साथ भी पिछले साल व्यापक चर्चा हुई थी। G20 समिट में आप हमारे विशेष अतिथि थे। मुझे विश्वास है कि श्रीलंका और मॉरिशस का यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को भी लाभ मिलेगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की गति तेज होगी।
स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में शानदार बदलाव होंगे। हमारे देशों के बीच टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुझे विश्वास है कि भारतीय टूरिस्ट भी यूपीआई वाली डेस्टिनेशंस को प्रमुखता देंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को और वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इसका विशेष लाभ होगा। मुझे खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। इससे मॉरिशस से भारत आने वाले लोगों को भी सुविधा होगी, हार्ड करेंसी खरीदने की जरूरत भी कम होगी। यूपीआई और रुपे कार्ड व्यवस्था से हमारी अपनी करेंसी में रियल टाइम कम खर्च पर और सुविधाजनक तरीके से भुगतान होगा। आने वाले समय में हम क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस यानी पर्सन टू पर्सन P2P पेमेंट फैसिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। एक्सलेंसी, आज का यह लॉन्च ग्लोबल साउथ सहयोग की सफलता का प्रतीक है। हमारे संबंध मात्र लेन देन के नहीं, ये ऐतिहासिक संबंध है। इसकी ताकत हमारे पीपल टू पीपल रिलेशंस मजबूती देते हैं। पिछले 10 सालों में हमने दिखाया है कि कैसे हर संकट की घड़ी में भारत लगातार अपने पड़ोसी मित्रों के साथ खड़ा रहता है। चाहे आपदा प्राकृतिक हो, हेल्थ संबंधी हो, इकोनॉमिक हो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर साथ देने की बात हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है और आगे भी रहेगा। G20 की अपनी अध्यक्षता में भी हमने ग्लोबल साउथ की चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ ग्लोबल साउथ के देशों को पहुंचाने के लिए हमने सोशल इंपैक्ट फंड भी स्थापित किया है। फ्रेंड्स, मैं राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस लॉन्च में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं इस अवसर पर तीनों देशों के सेंट्रल बैंक्स और एजेंसीज को भी इस लॉन्च को सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद जी।